सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले पार्षद ने थामा फिर से कांग्रेस का हाथ, भाजपा पर लगाया तवज्जो नहीं देने का आरोप। पंचायत चुनाव में इस बार फिर बैलेट पेपर पर लगेगा ठप्पा, आचार संहिता लागू होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बारात में आतिशबाजी पर रोक। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा कराए गए सर्वे से हुआ बड़ा खुलासा, कमजोर प्रदर्शन वाले विधायक को दी चेतावनी, कहा कि परफॉर्मेंस नहीं सुधारी तो कट जाएगा टिकट। पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए माल की कीमत 3 लाख बताई, कस्बा भ्रमण कर संदिग्धों की जा रही है चेकिंग। और कोरोना वायरस के कहर से मिली राहत, लेकिन दुनिया भर में बढ़ा फैल रहा है मंकी पॉक्स का दहशत, सिविल सर्जन ने जारी की मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया, मैं हूं आपके साथ तरुण नायक। एमपीसीजी के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। इंदौर से कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान पार्षद महेंद्र सिंह उर्फ बीटू रघुवंशी आखिरकार फिर से कांग्रेस में लौट आए। रघुवंशी ने बताया कि किसी व्यक्ति के साथ में भाजपा में गया था, पर भाजपा द्वारा मुझे तवज्जो नहीं मिली, मैंने भाजपा की सदस्यता भी नहीं ली थी। महेंद्र रघुवंशी ने कहा कि मुझे कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति का सम्मान मिलता है। राधौगढ़ कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष मानसी परसोदा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता हूं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले लोग फिर वापसी कांग्रेस पार्टी में आएंगे। पहली बात तो मैं कांग्रेस छोड़कर जा ही नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी मैंने, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ में गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे कोई तवज्जो नहीं मिली, इस कारण मैं आज पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। कांग्रेस की रीति नीति से मैं पूर्व से परिचित हूँ, ना कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, और मैं आज बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष हरि विजयवर्गीय जी और मान सिंह धाकड़ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ। आपका परिचय? मैं महेंद्र बीटू रघुवंशी, पूर्व पार्षद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है, चुनाव कराने के पहले ही के वीडियो तो सुना जाए तो हजार बहाने मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन्होंने मजबूरी में प्रस्ताव पास नहीं किया है, यह प्रस्ताव इनकी मर्जी के खिलाफ है। 23 ऐसे स्थान है जहां ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं हुआ, यह अपनी होर्डिंग लगाकर बधाई देने में पैसे खर्च कर रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ इलाके में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन पैसों की बर्बादी हो रही है। यह इन डायरेक्ट बनाव इसलिए करवा रहे हैं कि जो पार्षद चुनकर आएंगे दबाव बनाया जाएगा, इनके पास पुलिस पैसा और प्रशासन ही बचा है। सीएम शिवराज कहते हैं कि वह किसान के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि सीमांकन का मुद्दा था, यह विषय में भटका रहे हैं। हमने 2019 में 27% आरक्षण दिया था, उसे लागू कर दिया था। कमलनाथ ने कहा कि जहां 50% ओबीसी वर्ग हैं वहां संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अस्पताल, हमारे स्कूल में शिक्षक थे, अस्पताल में डॉक्टर थे, हमारे आदिवासी छात्रावास में बिजली थे, इसी बात से हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या सुखी है, ये चुनाव नहीं लड़ते कर रहे, इस तरह कलाकारी से। छिंदवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, विगत दिनों कंडीपुरा थाना क्षेत्र में व्यापारी के साथ हुई लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। घर लौटे व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर वारदात को अंजाम देने वाले सभी 6 आरोपी लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से व्यापारी से लूटे गए
3,97,500 रुपये नगद सहित 6 मोबाइल फ़ोन वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई, 2 बाइक मोटरसाइकिल सहित लोहे की रॉड, मिर्च पाउडर का पैकेट और एक काले रंग का बैग जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ 18 से 20 उम्र के युवक भी शामिल हैं। रविवार को पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामला का खुलासा किया। इस दौरान ASP संजीव कुमार उइके भी उपस्थित थे। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में नगर पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, थाना प्रभारी कंडीपुरा, निरीक्षक राकेश भारती सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही है। आज हमने मुख्य रूप से लगभग एक सप्ताह पहले 20 तारीख की शाम को चौकी धरण टेकरी थाना कुंडीपुरा क्षेत्र में घटित शाम के समय घटित एक गंभीर घटना, जिसमें एक अनाज व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात सामने आई थी और उसमें उनके पास से लगभग 4,08,300 रुपये की लूट करके अज्ञात बदमाश भाग गए थे। घटना अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी। थाना कुंडीपुरा में तत्काल इसमें धारा 394-341 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। नौगांव थाना अंतर्गत लुगासी चौकी के पास हर रोज लाखों का जुआ होता है। आपस में जुआ खेलने वाले बात भी कर रहे हैं कि दम से खोल चौकी करके। नौगांव में इन दिनों हर दिन देखा जाए तो लाखों का जुआ खेला जा रहा है, जिससे कई आसपास के लोग ज़्यादा परेशान पाए जाते हैं और नौगांव थाना इसके पीछे काफ़ी मशक्कत के साथ आरोपी को पकड़ने में लगी हुई है। इस बार फिर पंचायत चुनाव यानी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए बैलेट पेपर पर ठप्पा लगेगा। इस बदलाव की जानकारी देने के लिए गांव-गांव में मुनादी होगी और जगह जगह वॉल राइटिंग भी होगी। 2014 में पहली बार जनपद सदस्य और जिला पंचायत के चुनाव EVM से हुए थे, लेकिन इस बार नगरीय निकाय चुनाव भी पंचायत के लगभग साथ होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। भोपाल जिले में इस बार 222 पंचायत के चुनाव होना है। पिछले बार यह संख्या 187 थी। इन पंचायतों में पंच, सरपंच के साथ जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 जून तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे। पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बारात में भी आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन करने, बिना अनुमति के रैली करने पर रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार VIP के उज्जैन भ्रमण के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस चौकी मसौदा मंडी की टीम के साथ कस्बा भ्रमण कर संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीम जैसे रेलवे स्टेशन भवानी मंडी पहुंची कि आरोपी पुलिस वाहन को देखकर अचानक भागने लगे, जिससे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास कब्जे से बैग में स्कीम बनाकर छुपाई हुई 2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ में बताया गया कि इंटरसिटी ट्रेन से अफीम को करनाल, हरियाणा के रहने वाले सरदार को देने जा रहा था। पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर हरियाणा रवाना की गई है। पुलिस ने आरोपी हरियाणा, जिसको माल देने का कहा जा रहा था, आरोपी को करनाल, हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपी यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा मत, फौरन हाजिर होंगे।